फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। हवा में हल्की हल्की ठंडक शुरू हो गई है और ये एक ऐसा मौसम है जिसमें ये खूबसूरत फूल खिलते हैं। एक फूल आपने देखे होंगे जो जिसकी ऑरेंज कलर की डंडी सी होती है और वाइट कलर का फूल होता है। सुबह जब हम देखते हैं तो ज़मीन पर एक चादर सी इसकी बिछी होती है। आप पहचान गए होंगे इसे, और अगर पहचान गए तो जल्दी से इसका नाम लिखते हैं कमेंट बॉक्स में कि आपके यहाँ पर इस फूल को क्या कहते हैं। हमारे यहाँ इसे कहते हैं हार सिंगार, नाइट जैस्मिन भी बोलते हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम है। ये इतना खूबसूरत फूल है, लेकिन इसके साथ साथ इसकी इतनी ज़्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है कि आयुर्वेद में इसे सदियों से यूज़ किया जाता है। आयुर्वेद, अभी एक स्टडी हुई थी जिसमें बताया गया कि हार सिंगार की न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इसको रेचक कहा जाता है। ये एंटी एलर्जिक, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी डायबिटिक, इतनी सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। और इसी कारण से इसका यूज़ आयुर्वेद के मेडिसिन्स में होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पाइथोकामिक केमिकल्स होते हैं, ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो इस प्लांट की मेडिसिनल वैल्यू को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। आज इससे ही हम रेमेडी बनाएंगे अर्थराइटिस की और गाउट की। अगर आपको टॉपिक अच्छा लग रहा है तो इसे जल्दी से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। तो इसके लिए हमने लिए हैं कुछ पत्ते और कुछ फूल। लगभग एक बाउल भर के हमने ये फूल ले लिया है। ये देखिए, ये फूल बहुत जल्दी मुरझा जाता है, तो जैसे ही आप इसको लेके आएंगे तुरंत आपको ये रेमेडी बना लेनी है। और हमें चाहिए 7 से 8 पत्ते। जो नए पत्ते होते हैं वो वाले पत्ते हमको चाहिए, पुराने नहीं। पुराना बहुत बड़ा पत्ता हो जाता है, बहुत हार्ड होता है, हमको ये नए पत्ते चाहिए। अच्छा, आज हम दो रेमेडी बना रहे हैं, एक खाने की और एक लगाने की। तो अगर दोनों रेमेडी बनानी है तो आपको कम से कम चाहिए 10 से 12 पत्ते। एक रेमेडी के लिए 6 से 7 पत्ते काफ़ी होते हैं। तो हमने पत्तों को पहले तोड़ लिया है और धो लिया है इनको। फूलों को भी हमने धो लिया, क्योंकि चुन के लाए हैं तो कोई इसमें इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए, उसको भी धो लिया। दोनों चीज़ों को अच्छे से धोने के बाद रेमेडी हम बनाएंगे। पत्तों को थोड़ा सा मोटा मोटा हम काट लेंगे, ताकि इनको जब हम पीसने लगे तो ये जल्दी से पीस जाए। इस प्लांट के जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ऐसी हैं कि वो बॉडी के अंदर प्यूरिन को पचाने में बहुत मदद करती हैं। प्यूरिन एक ऐसी चीज़ है जो हमारे खाने का वेस्ट प्रोडक्ट होता है, लेकिन जब वो जमना शुरू हो जाता है तो वो गाउट का रूप ले लेता है। प्यूरिन की वजह से ही यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ता है, गाउट होता है, और जोड़ों में, खास करके जॉइंट्स में जो क्रिस्टल जम जाते हैं उसकी वजह से दर्द होना शुरू हो जाता है। तो इस पौधे की, यानी कि हार सिंगार की, लैक्सिटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसकी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो प्यूरिन को पचाने में मदद करेगा, यूरिक एसिड को बनने नहीं देगा। अगर क्रिस्टल्स, पहली बात तो बनेंगे ही नहीं इसके लेने से, और अगर बने हुए हैं तो वो भी जल्दी से रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि इससे हमारा मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होगा और हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो, उनका एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा और प्यूरिन को ये बाहर निकालने में आपकी मदद करेंगे। जब प्यूरिन क्रिस्टल्स नहीं होंगे तो हड्डियों में दर्द नहीं होगा, उनमें गैप नहीं बनेगा। तो इस तरीके से ये हमारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। हमने जो इनको काट लिया था, तो फूल और पत्तों को अभी हम ब्लेंड करेंगे। इसमें पानी नहीं डालना है, कोशिश करें नहीं डालें, पिसने में थोड़ा मुश्किल होगा। तो इसको हिला हिला के आप इसको ब्लेंड कर लेंगे, या आप इसको खरल में पीस सकते हैं चटनी की तरह, वो भी एक अच्छा पेस्ट बन जाएगा। तो जोड़ों के बीच में जो सूजन हो जाती है ये उसको बहुत कम करता है। अगर किसी को चोट लगने के कारण इन्फ्लेमेशन हो जाए, लाल हो गया है, नीला पड़ गया है, तो वहाँ पर अगर इसको अप्लाई करते हैं तो ये वहाँ बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। गाउट की समस्या को तो बहुत जल्दी ख़त्म कर देता है। तो अब हमने इसको बनाना है और यूज़ करना है, बस वही देखना है। बनाने का तरीका आप सामने देख रहे हैं। ये ग्राइंड हो गया है हमारा, और इसको अब हम एक बाउल में निकाल लेंगे। इसको मैं दो तरह से यूज़ करना आपको बताऊंगी। दोनों ही तरीके अगर आप अपनाते हैं तो बहुत जल्दी आपको फ़ायदा मिलने वाला है। तो एक तरीका है कि इसको हम अप्लाई करेंगे उस जगह पर जहाँ पर दर्द है, आपके जोड़ों में जहाँ भी दर्द है वहाँ पर इसको अप्लाई करेंगे। मान लो आपके घुटने में दर्द है, तो एक थिक पेस्ट इसकी
घुटने के ऊपर अप्लाई कर देंगे। और एक मैं रेमेडी बनाने वाली हूँ पीने के लिए, जिसमें हम ये जो हमारी चटनी बन गई है, 2 टेबलस्पून चटनी को हम 1 गिलास पानी में बॉयल करेंगे। जब तक ये बॉयल हो रही है, मैं लगाने का तरीका आपको बता देती हूँ। आपने इस चटनी को ऐसे लेना है, इसीलिए मैंने कहा था कि पानी इसमें नहीं डालना, अदरवाइज ये ड्रिप करना शुरू कर देगा। ये लेके और एक मोटी परत आपने उस जगह पर लगा देनी है जहाँ आपको दर्द है या लाली है, सूजन है, या चोट लगने से नील पड़ गया, वहाँ पर इसको ऐसे लगा दें। ऊपर से एक कॉटन का कपड़ा बांध दें और इसको सूखने के लिए छोड़ दें। कपड़ा बांधने के बाद बस धीरे धीरे ये दर्द को खींच के निचोड़ देगा। दूसरी तरफ आपकी ये पीने के लिए रेमेडी तैयार हो गई है। एक बॉयल आने के बाद उसको बंद कर दें और बस इसको छान लें। आपकी रेमेडी तैयार हो गई। इसे ठंडा होने दें, ऐसा हो जाए ये पीने लायक, तो उसको सिप सिप करके पी लें। अगर आप खाली पेट पी सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये थोड़े इसमें थोड़ा सा कड़वापन आता है, इसलिए अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा हनी मिला सकते हैं। जब आप पीने लगेंगे उस टाइम मिलाना है, पकते टाइम नहीं मिलाना है। आपकी रेमेडी बन के तैयार होगी जब आप इन दोनों चीज़ों को करेंगे, यानी कि दर्द वाली जगह पर इसका पेस्ट लगाएंगे और ये पिएंगे, तो आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा। आप इसका आराम, इसका मज़ा लें, इससे अपने आप को फ़ायदा पहुंचाएं और मेरे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।